क्रिप्टो करंसी दे विच जिंदा कि असी सारे जानते हाँ कि डिजिटल एसेट्स जिन्हों असी कहने उन्दे विच बहुत सारा निवेश पूरे पिछले कई सालों तो चलता आ रहा है। की देखा जाना चाहिए कि क्रिप्टो करंसी नूं हुण इंडिया दे विच लीगल कर दिता गया? इन्हों लीगल टर्मीनोलॉजी से लिया गया जी, जो सरकार उन्होंने रैशनलाइज कर रही है, स्पैसीफिकली अपने बजट से लैके आ रही है, उत्ते टैक्स लगा रही है, तो वो रेगुलेशन ही है जी। करंसी वर्ड जोड़ा है वो राइट है RBI को, ठीक है जी। करंसी आप जिदा कि असं जानते हैं कि डिजिटल रुपी लॉन्च होना, दैट इज़ डिजिटल करंसी। क्रिप्टो करंसी ये सारे है डिजिटल एसेट्स। देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वालों अपना चौथा बजट जिहड़ा पेश किया गया कल, मेरे नाल इस वेले मौजूद ने CA तुषार बजाज, जिन्हां नाल असीं गलबात करांगे बजट दे बारे, असीं मोटी मोटी जानकारी इन्हां तों लवांगे, आसान शब्दां दे विच समझण दी कोशिश करांगे। सर, जिस तरह आपां देख रहे हां कि काफ़ी जिहड़ा डिजिटलाइजेशन ते जोर दिता गया, जिस तरह उन्हां वल्लों क्रिप्टो करंसी ते गल कीती जा रही है कि सरकार अपना जिहड़ा RBI क्रिप्टो करंसी लॉन्च करन जा रहा है, सब तो पहले तो असीं इह जानना चाहुंदे हां कि क्रिप्टो करंसी है की। आपां गल करांगे पहले, सब तो पहले क्रिप्टो करंसी बारे। क्रिप्टो करंसी दे विच जिंदा कि असी सारे जानते हाँ कि डिजिटल एसेट्स जिन्हों असी कहने हाँ उन्दे विच बहुत सारा निवेश पूरे पिछले कई सालों तो चलता आ रहा, ठीक है जी। पर इहनू रेगुलेट नहीं किया गया सी, इहदे ते कोई भी गाइडलाइन क्लीयर नहीं सीगी कि किन्ना टैक्स लगेगा, इह किस दायरे ते आंदी है, ठीक है, कोई इहदे च डिडक्शनस मिलनगियां नहीं मिलनगियां। इहदे ते बहुत देर तो टैक्स की जिहड़ी सी ओह मांग ड्यू सी, और ये एक बड़ा ही अच्छा स्टैप है कि इहनू असी क्लीयर कट सरकार ने लॉन्च करके कहता है कि इहते फ्लैट 30% टैक्स रेट हैगा, ठीक है जी। जिदा कि असी जानते हाँ कि डिजिटल एसेट्स दे विच जदों भी असी इनवैसट करांगे, ठीक है, जदों उहनू वेचांगे, जो उहदा मुनाफा होएगा सिर्फ उस मुनाफे दे पोर्शन दे उपर 30% टैक्स है। सरकार ने यह भी क्लीयर किया कि जे ये कोई गिफ्ट के तौर पर डिजिटल एसेट दिता जाता उन्हें तो भी रिसीपियंट जिहड़ा कि जिन्हों की वह मिल रहा है एसेट उन्हें तो टैक्स लगेगा। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी इनू एक ट्रेल प्रोवाइड की, मतलब कि उन्हों पकड़न का तरीका यह रखे कि हर ट्रांजैक्शन के उपर TDS की इनवॉल्वमेंट रख दी है, जो कि 1% है। मतलब कि जदों भी हर एक ट्रांजैक्शन होएगी, जदों भी वह विकेगा, ठीक है, जिहड़ा बंदा उन्हों खरीद रहा है, ठीक है, वह 1% TDS कटेगा। ये तो सेल ते परचेज दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनगियां, ठीक है जी, जिदे करके सरकार नू काफ़ी अच्छा टैक्स ये ते आएगा। किसी भी तरीके का लॉस ये अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है, जिदे करके ये ते टैक्स आना ही आना है, और एक बहुत अच्छा स्टैप है जिन्हों असी कहांगे कि टैक्स की बहुत देर तो मांग ड्यू सी और जो पूरी की गई है। जिस तरह क्रिप्टो करंसी के उ 30% टैक्स लग जाएगा, उस इकोनमी की बेनीफिट हो जा रहा है? इस तरह इकोनमी जी देखो टैक्स काफ़ी आएगा, क्योंकि जिदा कि असं जानते हैं कि ऑलरेडी जोड़े लोग ये इनवैसट कर चुके ने, डिजिटल एसेट ओन कर रहे हैं, वो जदों जदों हूँ इन वेचनगे वो तो टैक्स आना ही आना जी, ठीक है जी। तो यही पैसा साड़ी इकोनमी घूमेगा, सरकार नूं जाएगा, यही जिहड़ा हैगा अगे इनवैसट होएगा प्रोजेक्ट्स दे विच, सड़कां ते लगेगा, ठीक है जी। जिदा असी डिजिटाइजेशन की गल करते हैं, सरकार ने तुहानूं पता ही है कि उन्होंने लॉन्च करना वा अपना ई एजुकेशन बारे गल कर रहे हैं कि ई एजुकेशन फुल यूनिवर्सिटी लैके आएंगे, क्योंकि कोविड के दौरान एजुकेशन नूं काफ़ी सैटबैक होया वा, ठीक है, पिछले 2 सालों तो वह भी ई एजुकेशन नूं प्रमोट करेंगे। एक गति शक्ति प्रोजेक्ट सारा आ रहा वा, एजुकेशन सैक्टर, मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, हर पास ये पैसा यूज होएगा जी। जिस तरह तुम गल कर रहे हो कि TDS कटिया जाएगा, TDS रिसिपेंट का कटिया जाएगा या फिर जो भेजेगा वह कटिया जाएगा? TDS जो कटिया जाएगा जी, वो जो बंदा सेल कर रहा है, कटना किन्ने है, कटना परचेजर ने है जी, ठीक है, जो बंदा परचेज कर रहा है, कटना कि जो बेच रहा वा वह। की देखा जाना चाहिए कि क्रिप्टो करंसी हुण इंडिया दे विच लीगल कर दिता गया? इहनू लीगल टर्मीनोलॉजी से लिया गया जी, जो सरकार उन्होंने रैशनलाइज कर रही है, स्पैसीफिकली अपने बजट से लैके आ रही है, उत्ते टैक्स लगा रही है, तो वो रेगुलेशन ही है जी। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट इन्ने ह्यूज लैवल पर हो रही है, ठीक है, पूरा इंडिया की पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना उत्ते टैक्स दिता जाए, जिदा कि बाकी इनकम्स से दिता जाता है, इतने भी दिता जाएगा।
जिस तरह हुन रेगुलेट करन जा रहे ने इस नूं हुन तो जो टैक्स कटिया जाएगा, इस तो पहला काफ़ी लोगों ने जो इस इनवैसट किया गया, हुन उन्हों किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, मेनटेन किस तरह किया जाएगा? देखो जी, ये इदां है कि जिहड़े एसेट्स होल्ड कर रहे हैं असी, ठीक है, हुन जदों असी नैक्सट ईयर तो इहनूं बेचना शुरू करांगे, ठीक है, उत्ते टैक्स का जिहड़ा इंप्लीकेशन है वह आएगा ही आएगा, ठीक है। उन्होंने ये बेनीफिट होएगा जिन्हें भी चीज़ उन्होंने लई सी वह माइनस करके जो पोर्शन प्रॉफिट का उत्ते 30% टैक्स देना है। स्पेसीफिकली ये वास्ते उन्होंने सैक्शन लॉन्च करना जी 115BBH, उनके विच इनू टैक्स दी टैक्सीबिलिटी दी की जाएगी। बार बार एक्सपर्ट्स वालों या फिर हरे बाकी लोगों वालों जो एक वर्ड वरत्या जा रहा है डिजिटल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स की क्रिप्टो करंसी दे विच की फर्क है, दोनों दे विच की फर्क है? मैं दसदा जी, पहली गल तो फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने सारा क्लीयर किया कि करंसी वर्ड जिहड़ा हैगा वो राइट हैगा RBI को, ठीक है जी। करंसी आपां जिद्दां कि असीं जानदे कि डिजिटल रुपी लॉन्च होना, दैट इज़ डिजिटल करंसी, क्रिप्टो करंसी ये सारे हैगे डिजिटल एसेट्स जिंदे विच इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, इसी करके इनू सैग्रीगेट कर देना। हुण एक होर गल मैं दसदा कि डिजिटल रुपी जिहड़ा कि अपना अपना कढ़ना हैगा RBI कढ़ेगा, उहदी ते टैक्सीबिलिटी नहीं हैगी, दैट इज़ अ करंसी, जिद्दां कि करंसी नोट होया, ठीक है। डिजिटल एसेट्स के उपर टैक्सीबिलिटी की है, क्रिप्टो करंसी वर्ड पुराना यूज़ हो रहा है, इस करके हुण डिजिटल एसेट्स कहलाए जाएंगे, उहदे ते टैक्सीबिलिटी आएगी। तो ये साढ़े नाल सीए तुषार बजाज जी नाल असी गलबात की कि क्रिप्टो करंसी की होंदी है। हुण दस दिए कि RBI वालों एक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जा रहा है, दस दिए कि हुण जिहड़ा है क्रिप्टो करंसी के उपर 30% टैक्स भी लगन जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय दे नाल अंशुल चड्डा, पंजाबी बुलेटिन।